प्रणाम सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल। मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपने सुना नहीं होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय बनकर 2016 से 2019 तक कुछ लोग लूटते रहे हैं, जिसके बाद सीबीआई के पास ये केस गया था। और ये मामला लगभग 2020 का था, जिसके अंदर आज खबर ये आई है कि सीबीआई ने दो इसके अंदर जो है लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम अनिल कुमार है और प्रवीण कुमार है। ये दोनों डायरेक्टर्स हैं मैसर्ट्स भारत पेपर्स लिमिटेड के। पूरा मामला मैं आपको बता दूं, ये मामला सीबीआई के पास 12 फरवरी 2020 में आया था, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच लुधियाना ने ये एक मामला दर्ज किया था, जिसके अंदर ये कहा था कि भारत पेपर लिमिटेड इसके एमडी और डायरेक्टर दोनों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी की है, जिसके अंदर उन्होंने बैंक से लगभग 87 से 90 करोड़ रुपए का जो है बैंक को चूना लगाया, नकली बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर। यानी कि भारत पेपर लिमिटेड कंपनी के ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर और जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने किसी नकली एम्प्लॉय को हायर किया स्टेट बैंक का एम्प्लॉय बनाकर, और स्टेट बैंक को ही चूना लगा दिया। ये मामला जब सामने आया तो ये मामला लगभग 2006 से 2019 के बीच में चल रहा था, जिसकी लगभग 121 करोड़ रुपए तक की जो चूना लगाया गया, जो इंटरेस्ट के साथ पूरा डालकर। इसमें मशीनरीज कहीं इलीगली निकाली गई, कई सारी जगह से जो है बैंक से पैसा लिया गया मशीनों के लिए, मोटर्स लेने के लिए, जो एक पूरा मामला सामने आया था। लेकिन आज सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है और सीबीआई ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जो दोनों एमडी और डायरेक्टर हैं भारत पेपर लिमिटेड के, अनिल कुमार और प्रवीण कुमार, इन दोनों का नाम है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक बैंक को नकली बैंक एम्प्लॉय बनकर जो है चूना लगा दिया गया। यानी कि स्टेट बैंक ने जिसने कंप्लेंट दी है, वहां पर जब चूना लगाने के लिए कुछ लोग जाते हैं इस कंपनी के नाम से, अपने साथ जोड़ते हैं कुछ एम्प्लॉयज को जो नकली बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं। तो ये एक बड़ा हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का, जिसके अंदर चूना बैंक को ही लगाया गया। लगभग 100 करोड़ के करीब ये चूना होगा, जिसके अंदर दो लोगों को आज सीबीआई ने हिरासत में लिया है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।